गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। अब हम लोग आज जो स्टडी करेंगे छोटा छोटा कंपाउंड का कॉमन नेम और आईपीएसी नेम दोनों स्टडी करेंगे, ठीक है। चूँकि कन्वर्सन जब आगे बनाइएगा तो वहाँ पर कॉमन नेम का भी ज़रूरत पड़ेगा, तो हर फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नेम और आईपीएसी नेम हम लोग देख लेते हैं। देखिए से रहेगा कंपाउंड कॉमन नेम, कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम, ठीक है। आईपीएसी नेम सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं एसिड फंक्शनल ग्रुप, सबसे सीनियर है मेरा एसिड फंक्शनल ग्रुप का सबसे पहले कॉमन नेम हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट एसिड पढ़ रहे हैं। देखिए क्या होगा कॉमन नेम, कंपाउंड पर ले लेते हैं। जैसे कंपाउंड ले लिए, मान लीजिए एच सी डबल ओ एच, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। हम लोग कहीं कहीं लिखा मिलेगा फॉर्मिक एसिड, और आईपीएसी नेम इसका जो हो जाएगा, एक कार्बन है तो वो फॉर्मेट पर पुट कर देंगे मीथ एन ओइक एसिड, मिथनोइक एसिड, ठीक है। छोटा छोटा कंपाउंड का जानना है, ज़्यादा नहीं जानना है। जैसे इसको पढ़ेंगे हम लोग सी एस थ्री सी डबल ओ एच को एसिटिक एसिड, इधर को क्या पढ़ेंगे इथनोइक एसिड, इथ एन ओइक एसिड। इथ हो गया रूट वर्ड, एन हो गया प्राइमरी सफिक्स, ओइक एसिड हो गया सेकेंडरी सफिक्स। CH3, CH2, सी डबल ओ एच अगर है इसको पढ़ेंगे प्रोपियोनिक एसिड। आईपीएसी क्या हो जाएगा, तीन थ्री कार्बन के लिए प्रोप प्राइमरी सफिक्स एन ओइक एसिड, प्राइमरी सफिक्स होता है ए एन ई, लेकिन सेकेंडरी सफिक्स ऐड करना है इसलिए ई रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा पर, ये एनहाइड्राइड सब इसी तरह जाएगा कंपाउंड, ये आपका चला गया कॉमन नेम आईपीएसी नेम, ठीक है। इसी में ये हो गया एसिड के लिए, छोटा छोटा कंपाउंड का पढ़ना है। अब दूसरा पढ़ेंगे हम लोग दूसरा फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास क्या चाहिए, सल्फोनिक एसिड का सिर्फ बेंजीन के साथ आता है इसलिए उसका नहीं पढ़ेंगे, एनहाइड्राइड। इसका क्या होता है फॉर्मूला, सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। अब इसका देखते हैं नाम, हम लोग दूसरा पढ़ रहे हैं, जिसे देगा सी एच थ्री सी ओ ओ सी ओ सी एच थ्री, जब दोनों तरफ सेम होता है तब इसके लिए नाम लिखते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड,
एसिटिक एंड हाइड्राइड। इधर जो पढ़ेंगे हम लोग रूट वर्ड, दो कार्बन का चेन ऑक्सीजन बीच में लिंक तोड़ दे रहा है, इसको पढ़ेंगे हम लोग एथ एन ओइक एनहाइड्राइड, इसको पढ़ेंगे इथनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब जैसे देखिए एक कार्बन और बढ़ा सकते हैं CH3 CH2 CO O CO CH3। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा इथनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एसिटिक प्रोपियोनिक पियोनिक एनहाइड्राइड एंड हाइड्राइड। IUPAC नाम क्या हो जाएगा? इथनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अलग अलग रहेगा तो अलग अलग ले लेंगे, इथनोइक ये दोनों अल्फाबेटिकली हो जाता है फिर। ठीक है, इथनोइक इथनोइक इधर वाले पार्ट हो गया, इधर हो गया प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड एंड हाइड्राइड। अगर इसी में बढ़ाइएगा तो वही हो जाएगा नाम फिर प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं इस्टर, थर्ड फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे इस्टर। छोटा छोटा नाम जानना है, ज़्यादा नहीं नाम जानना है, ज़्यादातर ये इथनोइक एसिटिक एनहाइड्राइड यूज होगा। थर्ड है इस्टर COOR, ये है पहले नाम लिख देते हैं इस्टर ग्रुप, इस्टर ग्रुप है COOR होता है। देखिए इसका क्या लिखेंगे नीचे नाम, अब किसी एक तरफ जोड़ते जाइए। जैसे मान लीजिए इधर H ले लिए, इधर COOCH3 मिथाइल फॉर्मेट, इसको क्या पढ़ेंगे? मिथाइल फॉर्मेट। इधर क्या हो जाएगा? मिथाइल मिथनोएट, मिथाइल मिथ ANOAT मिथाइल मिथनोएट। ठीक है, अब इधर ले लीजिए, बढ़ा दीजिए कार्बन CH3 COOCH3, क्या हो जाएगा? मिथाइल इथनो मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट कहलाता है ये। इधर क्या हो जाएगा? मिथाइल इथनोएट, मिथाइल इथ ANOAT मिथाइल इथनोएट। अब देखिए इधर लेते हैं CH3 COOCH2CH3, इसको कहेंगे इथाइल एसीटेट, ज़्यादातर यही यूज होने वाला है इथाइल एसीटेट। इसको क्या बोलेंगे? इथाइल इथनोएट, इथाइल इथनोएट ETH इथाइल इथनोएट। अब इधर जैसे आगे बढ़ा सकते हैं इथाइल प्रोपियोनेट, इथाइल प्रोपेनोएट हो जाएगा वहाँ। ठीक है, इस तरह से हम लोग सब फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नेम और IUPAC नेम देखेंगे। ठीक है, देख लीजिए।
अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ कंपाउंड, ठीक है। फोर्थ कंपाउंड क्या पढ़ेंगे, देखिए फोर्थ कंपाउंड लेते हैं एसिड क्लोराइड, जिसे लेते हैं इधर ले लीजिए, घेरी देते हैं एसिड क्लोराइड कंपाउंड, जिसे लेते हैं एच सी ओ सी एल, इसको पढ़ेंगे। कॉमन नेम क्या पढ़ेंगे, फॉर्माइल, फॉर्माइल क्लोराइड। इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, मिथनॉयल, मीथेन ऑयल क्लोराइड, मिथनॉयल क्लोराइड। अब जैसे देखिए CH3CO Cl, इसको पढ़ेंगे एसीटाइल क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे, एसीटाइल क्लोराइड। इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉयल, इथेनॉयल इथेन वाई ओ एल, इथेनॉयल क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। एक और लिख लेते हैं कम से कम, देखिए प्रोपियोनाइल, देखिए इसको पढ़ेंगे प्रोपियोनाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, तीन कार्बन है, प्रोप, प्रोप ए एन ओ वाई एल, प्रोपेनायल क्लोराइड, प्रोपेनायल क्लोराइड। इस तरह से हो गया एसिड क्लोराइड। के बाद हम लोग लेते हैं साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड का क्या होता है, सी एन, नहीं तो देखिए इसमें कम से कम दो कार्बन से ही शुरू होता है, एच सी एन नहीं तो हाइड्रोसाइनिक एसिड हो जाएगा। इसे लेंगे हम लोग सी एच थ्री सी एन, इसको क्या पढ़ेंगे, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। इधर क्या पढ़ेंगे, दो कार्बन के लिए इथ एन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, ठीक है। और एक कार्बन लीजिए सी एस टू सी एन, इथाइल साइनाइड, क्या होता है, इथाइल साइनाइड। इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोप ए एन नाइट्राइल। देखिए इसमें कुछ है, ये तो कॉमन नेम याद रखना है, इसमें क्या है, दो कार्बन इथ ए एन नाइट्राइल, इसका नाइट्राइल सफिक्स नेम है, तीन कार्बन है प्रोप ए एन नाइट्राइल, इस तरह से लिखते जाएंगे, ठीक है। और भी ले सकते हैं सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एन, प्रोपाइल साइनाइड, प्रोपाइल साइनाइड। इसका क्या हो जाएगा, ब्यूट ए एन नाइट्राइल, ब्यूट ए एन नाइट्राइल। अब हम लोग पढ़ते हैं, साइनाइड हो गया, और पढ़ते हैं हम लोग उसके बाद, देखिए एक सल्फोनिक एसिड दो नंबर का छूट गया था,
ये पांच नंबर दे दीजिए। एक सल्फोनिक एसिड छूट गया था, सल्फोनिक एसिड SO3H, ऐसे इसका बहुत कम जरूरत भी पड़ता है, इसका कॉमन नेम होता नहीं है एक्चुअली, ठीक है। इसका IPSC नाम ही होगा, जिसे CH3SO3H, CH3SO3H मिथाइल सल्फोनिक एसिड, IPSC नेम ही हो जाएगा इसका। इसका क्या हो जाएगा, मिथाइल सल्फोनिक सल्फोनिक एसिड, कॉमन नेम इसमें गैप हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये है CH3CH2SO3H, इसको पढ़ेंगे इथाइल सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन पर भी लगा रहता है SO3H, ये इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इस तरह से पढ़ेंगे हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छह फंक्शनल ग्रुप वाले का, सिक्स हो गया, कुछ नहीं था। HCOOH को फॉर्मिक एसिड पढ़ते हैं, याद रखना है। एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ये उसी तरह AFAP होता है। अगर जिसमें भी आपको जैसे F एक कार्बन वाला है तो F आ जाएगा, दो कार्बन एसिड, जैसे इथाइल एसीटेट दो कार्बन का चेन आ गया, इस तरह से थोड़ा तो एक ही टाइप का आता ही है। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए आइसोसाइनाइड के केस में ये जैसे कॉमन नेम ही ज़्यादा फेमस है इसका, मिथाइल आइसोसाइनाइड ही फेमस है। ऐसे इसका IPSC नाम क्या हो जाएगा, कार्बाइल एमिनो मीथेन, ये यूज नहीं होता है, कार्बाइल एमिनो मीथेन नॉट यूज होता है, ये यूज नहीं करते हम लोग जनरली, ठीक है। जैसे रहेगा वो इसको छोड़िए, CH3CH2NC होता तो है लेकिन यूज नहीं के बराबर होता है। ये हो जाएगा इथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, ये हो जाएगा इथाइल आइसोसाइनाइड। इसका क्या नाम हो जाएगा, कार्बाइल एमिनो इथेन, ये सब यूज नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा इसका फेमस क्या है, कुछ कुछ कंपाउंड में कॉमन नेम ही ज़्यादा फेमस होता है, ठीक है। प्रोपाइल आइसोसाइनाइड, जैसे और कार्बन बना सकते हैं हम लोग, CH2CH2NC, ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। उसी तरह इसको लिख सकते हैं कार्बाइल एमिनो प्रोपेन, लेकिन ये सब कम यूज होता है, ठीक है। एट नंबर हम लोग क्या पढ़ना है, एट नंबर पढ़ना है एल्डिहाइड, इसका फंक्शनल ग्रुप CHO, ठीक है।
अब जैसे लेते हैं हम लोग एच सी एच ओ, ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल डिहाइड। इधर वाले क्या बोलेंगे? मिथ एन अल, मिथनल। अब जैसे ये है सी एच थ्री सी एच ओ है, इसको क्या बोलेंगे? एसीटल डिहाइड, एसीटल डिहाइड। इसको क्या बोलेंगे? दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ, प्राइमरी सफिक्स एन, इसका सफिक्स नेम अल। सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ। प्रोपेनल डिहाइड, इसका नाम क्या होता है? प्रोपेनल डिहाइड, ठीक है। कॉमन नेम प्रोपियोनल डिहाइड, प्रोपियोनल डिहाइड। सॉरी प्रोपियोनल डिहाइड, जैसे एसीटल डिहाइड था प्रोपियोनल डिहाइड, एच वाई डी। इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोप एन एल, इसका नाम हो जाएगा प्रोप एन एल, ठीक है। इसका नाम हो गया प्रोप एन एल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दो दो को करके लिखते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा उसमें लगा, छोटा हो गया। देखिए अब जैसे कीटोन में होता है क्या? सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, इसका कॉमन नेम हो जाएगा एसीटोन, एसीटोन। आई पी एस सी क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन, प्रोप एन ऑन, प्रोपेनॉन। चूँकि टू पोजीशन पे ही आएगा इसलिए लिखना जरूरी नहीं होता है कि प्रोपेन में टू ऑन दे, या दे भी जैसे आपका मन है प्रोप एन टू ऑन भी दे दिए तो गलत भी नहीं है, और नहीं भी देंगे टू ए पोजीशन पे हमेशा आएगा, ठीक है। जैसे अगर लेते हैं ऐसा कंपाउंड सी ओ सी एच थ्री, ठीक है, इसको बोलेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल कीटोन। आईपीएसी क्या हो जाएगा? ब्यूट एन टू ऑन, ब्यूटेनॉन, सी एच थ्री सी एच टू सी ओ सी एच टू सी एच थ्री। ये क्या हो जाएगा? डाइथाइल कीटोन, दो है डाइथाइल कीटोन। इसको हम लोग लिख सकते हैं पेंटेन थ्री ऑन, पेंटेन ई रिप्लेस होगा पेंटेन थ्री ऑन। इसमें पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यही है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी ओ सी एच थ्री। ये फिर आइसोमेरिज में पूछेंगे, मेटामेरिज में। इसको क्या पढ़ेंगे? मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। आईपीएससी क्या हो जाएगा? पेंटेन टू ऑन, पेंटेन टू ऑन। टेन नंबर देखो, टेन नंबर अब है कीटोन हो गया अल्कोहल, अल्कोहल,
ठीक है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH, जिसे कंपाउंड लेंगे CH3, सबसे छोटा कंपाउंड यही होगा, कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, IPSC हो जाएगा, एक कार्बन है मिथ एन ऑल मिथनॉल, वन ऑल भी दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, आपका मन है। CH2OH इथाइल अल्कोहल, इथ इसका IPSC क्या हो जाएगा, इथ एन और वन ए पर होगा ये दोनों, लेकिन प्रोपेन के केस में चेंज हो सकता है, CH3CH2CH2OH, इसको पढ़ेंगे प्रोपाइल अल्कोहल हो गया, इसको पढ़ेंगे प्रोपेन वन ऑल, यहाँ लिखना पड़ेगा चूंकि यहाँ टू पर भी पॉसिबल है, इसे इसको पढ़ेंगे CH3CH OH ले लिए CH3 कर दिए, इसको पढ़ेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कॉमन नेम क्या आ जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, IPSC नेम क्या हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल हो गया, ठीक है। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तब फिर लिखते हैं अगला 11th नंबर। देखिए एक थोड़ा मिस्टेक हो गया पहले जो लिखे थे, जैसे लिखे थे CH3CN का कॉमन नेम मिथाइल साइनाइड तो सही है, इसका IPSC जो होता है इथेन ई रिप्लेस नहीं होता है, वहाँ हमको लगता है इथेन नाइट्राइल लिखा जा रहा था, इथेन नाइट्राइल ऐसे लिखिएगा, जैसे ये था CH2CN, ये हम लोग करेंगे प्रोपेन पूरा लिखाएगा, ठीक है, नाइट्राइल साइनाइड ग्रुप में चेंज कर लीजिएगा, साइनाइड ग्रुप में जो लिखाए थे ना CN CCCN लिखा हुआ है उसमें ये चेंज कर लीजिएगा, प्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा। IPSC कॉमन नेम सही था, वो मिस्टेक हो गया है। अब देखिए कंपाउंड में CONH2 है, जिसे लेंगे HCONH2, इसको पढ़ेंगे फॉर्मामाइड, IPSC नाम हो जाएगा मिथेनामाइड, ठीक है, CH3CONH2 रहेगा, इसको पढ़ेंगे एसीटामाइड, और इसको पढ़ेंगे इथेनामाइड ऐड करेंगे, जैसे ये रहेगा CH3CH2CONH2, इसको पढ़ेंगे प्रोपियोनामाइड, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे प्रोप एन ई रिप्लेस होगा एमाइड, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग थायोल का, ये 11th हो गया, 12th हो जाएगा थायोल, SH होता है, ठीक है, थायोल में
जैसे लेते हैं मिथाइल मिथाइल अल्कोहल जैसे पढ़ते थे ना, उसी तरह इसमें पढ़ेंगे हम लोग मिथाइल मरकप्टेन। क्या पढ़ेंगे? मिथाइल मरकप्टेन। मिथाइल अल्कोहल वहाँ पढ़ते थे हम लोग नहीं, यहाँ पढ़ेंगे मिथाइल थायो अल्कोहल या मिथाइल मरकप्टेन भी पढ़ सकते। जैसे वहाँ था CH3OH तो मिथाइल अल्कोहल पढ़ते थे, यहाँ पढ़ेंगे मिथाइल थायो अल्कोहल या मिथाइल मरकप्टेन। कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल थायो अल्कोहल। ठीक है, मिथाइल थायो अल्कोहल या इसको पढ़ेंगे हम लोग मिथाइल मरकप्टेन। ये सब आता नहीं है, ये सब का जरूरत नहीं है। मरकप्टेन, ठीक है, मिथाइल मरकप्टेन। और IPSC जो होगा मिथेन थायोल, मीथ एन थायोल, THIOL थायोल। ठीक है, उसी तरह इसमें लेंगे CH3। ये सब कंपाउंड जरूरत ही नहीं पड़ेगा जल्दी आपको, लिख लेते हैं, लिख रहे हैं इसलिए लिख लीजिए एक जगह। ये हो जाएगा इथाइल थायो अल्कोहल या इसी को इथाइल मर कैप्टन या इसको बोलेंगे इथेन थायोल। इथेन वन थायोल भी दे सकते हैं या इथेन थायोल। ठीक है, ये सब पूछता नहीं इसलिए ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद कॉमन नेम लिखना भी मुश्किल है। जैसे अब IPSC का तो एक सिस्टम होता है, जैसे हम लोग सोचेंगे इसे लिखने CH3SH CH2CH3। तो कॉमन नेम छोड़िए, इसका हो जाएगा ब्यूटेन टू थायोल। इस तरह से ले लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए ये जो है मिथाइलेमिन मिथेनामाइन, ये इथाइलेमिन इथेनामाइन, इसमें वन देना होगा क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे भी पॉसिबल है, इसलिए प्रोप एन वन एमाइन। ये हो गया आइसोप्रोपाइलेमिन कॉमन, ये सेकंड पोजीशन पर आइसो कहलाता है, प्रोपेन टू एमाइन। अब सेकेंडरी एमिन का देखते हैं, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब सेकेंडरी एमिन, सेकेंडरी एमिन हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंडरी एमिन पढ़ेंगे यहाँ पर एन एच एच हो गया। तो जैसे हम लोग लेंगे इस तरह से CH3NH, दो कार्बन से जुड़ा रहेगा तो ये सेकेंडरी एमिन होगा। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे डाई मिथाइल एमीन। इन पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग डाइमिथाइल एमीन। और इसका नाम क्या हो जाएगा IPSC एन मिथाइल मिथेनामाइन, एन मिथाइल मिथ एन एमाइन। अब देखिए जिसे ले लिए ये CH3CH2NH CH3, क्या पढ़ेंगे इथाइल मिथाइल एमीन। इसको क्या पढ़ेंगे,
इथाइल मिथाइल एमीन, और ये क्या हो जाएगा, इलोंगेस्ट चेन इधर चला जाएगा, 1 2 एन मिथाइल इथेनामाइन, एन मिथाइल इथ एन एमाइन इथेनामाइन। अब जैसे देखिए CH3 CH2 CH2 NH CH2 CH3 ले लिए, इसको पढ़ेंगे इथाइल प्रोपाइल एमीन। क्या पढ़ेंगे, इथाइल प्रोपाइल एमीन, ठीक है। इधर जब बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, एन इथाइल, एन इथाइल प्रोप एन एमाइन, प्रोपेना माइन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब लिखते हैं टर्शरी एमीन, ले लिए। अब देखिए टर्शरी एमीन, इसको मिटाते हैं, अब लिखेंगे हम लोग टर्शरी एमीन, टर्शरी एमीन। इसमें तीनों तरफ मिथाइल ग्रुप होगा, तीन कार्बन से जुड़ा रहेगा, इसको 3 डिग्री एमीन भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, ये बोला जाता है 2 डिग्री एमीन भी, दो कार्बन से जुड़ा रहता है, इसको बोला जाता है 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, ठीक है। तो जैसे अब जोड़ देते हैं ये CH3 N CH3 CH3, इसको क्या पढ़ेंगे, तीनों तरफ मिथाइल है, नहीं तीनों तरफ मिथाइल, इसको पढ़ेंगे ट्राई मिथाइल एमीन। लेकिन IPSC में रूट वर्ड तो चाहिए, तो इसका नाम हो जाएगा NN डाई मिथाइल मिथेनामाइन। ये दो गो सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो इधर लिख देंगे NN डाई मिथाइल मिथ AN एमाइन, ठीक है। और ले लीजिए दूसरा कंपाउंड CH3 CH2 CH2, इधर ले लीजिए, मान लीजिए CH2 CH3 ले लिए, इधर ले लीजिए मिथाइल, इसको क्या पढ़ेंगे, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल एमीन। तीनों अलग है तो अलग अलग लिखेंगे अल्फाबेटिकली, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल एमीन, कॉमन नेम है ये। IPSC क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, लॉन्गेस्ट चेन इधर, तो N इथाइल N मिथाइल, उसके बाद क्या हो जाएगा, N इथाइल N मिथाइल प्रोपेनामाइन प्रोप AN एमाइन, ठीक है, प्रोप AN एमाइन। इस तरह से लिखेंगे टर्शरी एमीन, एमीन हो गया। एमीन मेरा किम्मा था, एमीन 13 नंबर था, 13 में 3 पार्ट करके पढ़ लिए, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए कंपाउंड है, तो कंपाउंड में लेते हैं जैसे ये CH3 इथर का होता है दोनों तरफ जुड़ने वाला ग्रुप, CH3 O CH3, इसको पढ़ते हैं हम लोग कॉमन नेम में क्या पढ़ते हैं, डाई मिथाइल ईथर, इसको पढ़ेंगे मिथॉक्सी मिथेन, क्या पढ़ेंगे मिथॉक्सी मिथेन।
इसी रहेगा ये CH3 ओ CH2 CH3, इसको पढ़ेंगे डाइथाइल ईथर, और क्या पढ़ेंगे इथॉक्सी इथेन। ठीक है, अब मान लीजिए इसे दे दें CH3 CH2 CH3 इथॉक्सी है, इसको इथाइल मिथाइल ईथर पढ़ेंगे, इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे इथाइल मिथाइल ईथर पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका IPSC नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। लेकिन अगर इस टाइप से रहे, मान लीजिए CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पर मान लीजिए जोड़ दिया O C2 H5, इसको पढ़ेंगे 2-ethoxy 1-2। इसका छोड़िए कॉमन नेम, इसका IPSC नाम हो जाएगा 2-ethoxy ब्यूटेन, ब्यूट ANE। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ईथर का लिखेंगे, ईथर के बाद इपॉक्साइड तो इथिलीन ऑक्साइड लिख सकते हैं, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रो ग्रुप का, इसका कॉमन नेम नहीं होता, ये सबका IPSC नेम डायरेक्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसका होगा नाइट्रो मिथेन, नाइट्रो मिथेन, नाइट्रो इथेन। ठीक है, नाइट्रो वन नाइट्रो वन दे दीजिए इसमें, वन नाइट्रो प्रोपेन, ये क्या हो गया टू नाइट्रो नाइट्रो प्रोपेन, नाइट्रो ग्रुप भी हो गया। अब बचा एक हेलोजन ग्रुप भी, हेलोजन ग्रुप भी लिख लेते हैं, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए जैसे ये इसको पढ़ेंगे कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड, BR रहता था मिथाइल ब्रोमाइड, IPSC नेम हो जाएगा क्लोरो मिथेन, क्लोरो मिथेन। जैसे अब लेते हैं मान लीजिए CH3 CH2 CH2 I, इसको क्या पढ़ेंगे प्रोपाइल आयोडाइड, IODID आयोडाइड। IPSC नाम क्या होगा आयडो प्रोपेन। ठीक है, अगर मान लीजिए बीच में कोई डाल दिए CH3 CH BR CH3 आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसको क्या लिखेंगे टू ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, इस तरह से इथाइल क्लोराइड कुछ ले सकते हैं आप, लेकिन सेकेंडरी पर रहेगा तब ये बोला जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, आइसो टर्म यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, अब डाई हेलाइड भी होता है,
डाईहैलाइड जिसे होता है, मिथाइल क्लोराइड जिसे बोलिए, डाईक्लोरोमीथेन भी बोलेंगे, जैसे ये रहेगा CH2Cl2 बोल दिए, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाईक्लोरोमीथेन, ऐसा भी नाम आएगा। जैसे ये इस तरह से रहेगा, इसको कॉमन नेम भी बोल सकते हैं, इथिलीन डाई ब्रोमाइड, इथिलीन डाई ब्रोमाइड, डाई ब्रोमाइड। ये क्या हो जाएगा, इथेन 1,2 डायब्रोमो इथेन, 1,2 डायब्रोमो इथेन, 1,2 डायब्रोमो इथेन हो जाएगा ना। इस तरह से हम लोग हेलोजन ग्रुप भी देख लिए, अब एल्कीन भी देख लेते हैं, इसका ले लीजिए। देखिए अगर CH2, ये तो अनस्टेबल है, स्टेबल फॉर्म में रहता नहीं है, इसलिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसको पढ़ते हैं हम लोग इथिलीन, इथिलीन IPSC क्या हो जाता है, इथ ENE, जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या पढ़ते हैं, प्रोपलीन, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे प्रोपीन, ठीक है। इसमें पोजीशन देना जरूरी नहीं होता है, लेकिन ब्यूटेन से पोजीशन देना होगा, जैसे ये CH2CH डबल बॉन्ड है, तो इसको पढ़ते हैं ब्यूटिलीन, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा ब्यूट 1-ईन, चूँकि 2 पर भी पॉसिबल है, ब्यूट 1-ईन, ब्यूट 1-ईन, ठीक है। जैसे इसको ऐसे कॉमन भी बोलते हैं, अल्फा ब्यूटिलीन भी बोलते हैं, जैसे इसका पोजीशन चेंज कर दिए, मान लीजिए कॉमन नेम हो जाएगा बीटा ब्यूटिलीन, ये बीटा है ब्यूटिलीन, और इसका IPSC क्या हो जाएगा, ब्यूट 2-ENE, ठीक है, ब्यूट 2-ENE, जैसे ये रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 आइसो ब्यूटिलीन, ठीक है। इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा, 2-methyl, ऐसे काउंटिंग हो जाएगा 1-2-3, 2-methylpropene, 2-methylpropene, ये 1-2-3, इसमें हो जाएगा 1-2-3-4, ठीक है, इसमें हो जाएगा 1-2-3-4। तो 1 पे लें अथवा ना लें कोई जरूरी नहीं है लिखना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अल्काइन, देखिए ये होता है एसिटिलीन, कॉमन नेम एसिटिलीन, IPSC क्या हो जाएगा, इथाइन, ethyne, इथाइन, ठीक है। ऐसे जोड़ देते हैं इसमें, तो ये कहलाने लगता है मिथाइल एसिटिलीन, ये क्या कहलाएगा,
मिथाइल एसीटिलीन, और आईपीएसी क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। ठीक है, अब और भी इसमें बढ़ा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है लिखें या नहीं हो लिख सकते हैं। जैसे और ये कार्बन बढ़ा दिए, ये हो जाएगा क्या चीज़, इथाइल एसिटिलीन। ठीक है, ऐसे इसको क्या पढ़ेंगे, ब्यूट 1 आइन, इसमें 1 देना पड़ेगा, ब्यूट 1 आइन। ठीक है, इसको चेंज भी कर सकते हैं, ब्यूट 2 आइन भी कर सकते हैं, नहीं ऐसे भी कर दिए, ऐसे भी कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल एसिटिलीन, कॉमन नेम डाइमिथाइल एसिटिलीन, सब कंसेप्ट है करीब करीब, ब्यूट 2 आइन। अब इससे बड़ा आएगा तो लिखिएगा आईपीएसी नेम भी। ठीक है, ये है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। में इथिलीन ऑक्साइड कॉमन नेम होता है 1,2-epoxy-ethane होता है, वो लिखा हुआ है इपॉक्सी। ठीक है, इसका हो जाएगा प्रोपिलीन ऑक्साइड 1,3-epoxy, जितना रहेगा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये हो गया, 6 नहीं हुआ, ये हेक्सिलीन नहीं हुआ, ये हो गया आपका पेंटाइलीन हो गया, ये पेंटाइलीन हो गया, PENTYLEN पेंटाइलीन ऑक्साइड हो गया 1,5। यही 6 को ऐड कर देते तो हो जाता 1,2,3, 1,3-epoxy प्रोप 1-in भी लेंगे इसमें। ठीक है, इस तरह से ऑक्साइड साइक्लिक ईथर का ये हो गया, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए साइक्लिक ईस्टर का केस रहता है तो ये जानिए, 3 कार्बन यहाँ से काउंटिंग होगा, 1,2,3 प्रोप AN ओलाइड होता है, 1,2,3,4 ब्यूटेन ब्यूट AN ओलाइड, पेंटेन पेंट AN ओलाइड IPSC नाम हो गया, और इसको बीटा से पढ़ते हैं, बीटा प्रोपियोलेक्टॉन, गामा ब्यूटायरोलेक्टॉन, डेल्टा वेलेरोलेक्टॉन, ये नाम है कॉमन नेम, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए इमाइन पढ़ना है, फॉर्मल डायमाइन होता है कॉमन नेम, IPSC तो एक कार्बन है, मीथ AN एलामाइन होता है इसका सफिक्स नेम, इथ AN एलामाइन एसिटल डायमाइन कॉमन नेम हो गया। अगर साइक्लिक इमाइड पढ़ना है तो बीटा प्रोपियालेक्टम होता है इसका नाम कॉमन नेम, ये याद करना पड़ेगा, और इसको तो 1,2,3,3,3 प्रोप AN ओमाइड होता है, ओयोमाइड, OIMIDE होता है। ठीक है, सब में OIMIDE आएगा, 1,2,3,4,4 ब्यूट AN OIMIDE, इसको बीटा ब्यूटायरोलेक्टम भी पढ़ते हैं। इस तरह से हम लोग बहुत पढ़ लिए, अब फंक्शनल ग्रुप करीब करीब सब टच कर लिए। ठीक है, हेलो भी पढ़ लिए, और नाइट्रो जितना भी था करीब करीब सब पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, तो इसको आप लोग कॉमन नेम और IPSC नेम दोनों देखेंगे, छोटा छोटा कंपाउंड का कॉमन नेम बड़ी कन्वर्सन के वक्त ज़रूरत पड़ने वाला है, इसलिए ये सब तो खैर एक्सेप्शन है, जो IIT के लिए है वो सब देखेगा लास्ट वाला, शुरू वाला लेकिन सबको देखना है आप लोग को। ठीक है, सबका नाम देखेंगे, कॉमन IPSC नेम देखेंगे, कॉमन नेम देखेंगे, क्योंकि छोटा छोटा कंपाउंड का कन्वर्सन के वक्त कॉमन नेम ही, बहुत जगह बुक में कॉमन नेम लिखा रहेगा,
यहीं से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग केयरफुली देखिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, लिखना होगा, तब आइडिया लगता है, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिएगा केयरफुल होकर के, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में लिंक सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू।